आननम भूत्वा सेवितम् तपति जम्भूफलं जारिभक्षणम् उमासुत शोक विनाशकायकम् नमामि विघ्नेश्वरपादम्। कर्पूरं करुणायकारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवानी सीतं नमामि। नवीनम नास्तेन चान परमेश्वरम नमायम तम दुर्वृद्धांका प्रत्येचा सर्वदे आनंदे या रूपा सदा करो हितम मातेव लंगुसुम नमायम। सिरपुर चरण सरोज रज निज मुने मुकरे सुदा तन जान के समर ही पवन कुमार पल बीत बेदाते हुमो हर हो पले माता मेरी सरस्वती कियो हृदय में पास अच्छा माँ मेरी कीजियो हूँ चरणों का दास भजन करत बिटिया भली लंपटी भलो ने लंपटी भलोन सिवरी तो सुरपुर गई धुंधकारी बनियो अपने अपने घरन की सब काहू का पीर उनई पीर सब घरन की बोली आनंद कंद भगवान की हेलो हेलो कि सुमिरण करी माँ गायत्री को और सीता सावित्री सिर और
श्रीमद् भागवत का आख्यान बड़ा सुंदर ढंग से व्याख्यान कर रहा हूं और कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाए। एक बार भोले भूतनाथ कैलाश पर बैठे हुए थे और बाएं भाग में मैया पार्वती विराजमान है। भोले बाबा कहने लगे, देवी इस समय इस धरा पर ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिनके दर्शन करने से क्षण मात्र में मुक्ति का धाम प्राप्त होता है। मैया पार्वती कहने लगी, भोले बाबा आपने बड़ा सुंदर प्रसन्न किया है और मेरे नैना बड़े उत्सुक हैं ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए। भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम धन्य हो, ये तुमने आज ये प्रसन्न हमसे किया और हम बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हारे लिए ऐसे भक्त के दर्शन अवश्य कराएंगे। तो क्या हुआ आज भोले बाबा, मैया पार्वती कहने लगी, अब आप देर ना करें, हमें भक्त के दर्शन जल्दी कराएं। तो उसी वक्त क्या हुआ,
आज ब्रह्मा को सजा करके भोले भूतनाथ ने क्या किया कि ब्रह्मा पर भेष सवार सुनो सरदार बढ़े आगे को आज भोले बाबा ने मैया पार्वती के आगे बैठा और अपना पीछे बैठा और चल दिए। तो चलते चलते जब आज हतनापुर में पहुंचे तो मैया पार्वती कहने लगी हम किस भक्त के दर्शन के उत्सुक हैं, वो कौन सा भक्त है हमें अवश्य दर्शन कराएं। तो भोले बाबा कहने लगे देवी शांति का दान हृदय में दीजिए। और भूतनाथ ने मालूम किया हतनापुर में कि इस वक्त पारत कहाँ है, तो हतनापुर में लोगों ने बता दिया कि पारत इस वक्त सेन कच्छ में सेन कर रहे हैं। तो मैया पार्वती कहने लगी भोले बाबा पारत के कच्छ में प्रवेश क्यों नहीं करते हो। भोले बाबा कहने लगे देवी किसी की निद्रा में बाधा डालना उचित नहीं है, ये बढ़िया बात नहीं है, आप ठहर जाइए। और उसी वक्त भोले भूतनाथ ने योगी राज भगवान कृष्ण का स्मरण किया है आज हतनापुर में। जब स्मरण किया है तो पूरी द्वारिका से भगवान कृष्ण जिस वक्त चले तो साथ में सत्यभामा है, रुक्मणी जी हैं और उद्धव जी हैं। और जाकर के जिस वक्त त्रिलोकीनाथ के सामने आज पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने भोले भूतनाथ को प्रणाम किया। भूतनाथ कैसे याद किया, कहने लगे हे कृष्ण हमारा संदेश भारत के कच्छ तक भेजना है। भगवान कृष्ण कहने लगे कैसी बातें करते हो भूतनाथ, मैं आपका संदेश अभी भेज रहा हूं। आज जिस वक्त भगवान कृष्ण योगीराज ने भारत के कच्छ में प्रवेश किया है तो क्या देखा कि पारत की जो निद्रा है वो बड़ी प्रागढ़ होती जा रही है और पारत के मुख से नाम की धुन निकल रही है, चल रही है। जब नाम की धुन चल रही है और क्या देखा सुभद्रा जी जो बैठी है तो वो पारत पर व्यार कर रही है। तो आज सत्यभामा ने क्या किया है सुभद्रा जी का आसन ले लिया और सुभद्रा जी ने अपने भैया कृष्ण को आते देखा तो क्या हुआ कि आसन दीने डारी ले बैठारी फिर नहीं तकारी अब हित ते पूजी पात रे पात बतयो बल्लभ हितते पूजी बात रे बात बतयो बलबारी और क्या हुआ सुभद्रा जी ने अपने भैया को अपने गले से लगा लिया और भगवान कृष्ण के आंसू निकलने लगे और उधर क्या देखा है कि पारत की निद्रा जो है बड़ा प्रागढ़ होती जा रही है। सो जा करके क्या करने लगे भगवान कृष्ण पारत का एक पैर दबाने लगे बैठ करके और जिस वक्त सुभद्रा असत्य भामा रुक्मणी जी ने देखा है ये परमात्मा की कैसी लीला विलक्षण है। सो आज रुक्मिणी जी भगवान
के सामने जाकर के बैठ करके और पार्क के पैर दबाने लगे। और जब रुक्मिणी जी पैर दबाने लगी और भगवान कृष्ण एक पैर दबा रहे हैं, तो आज पार्वत के रोम रोम से वो नाम की धुन चलने लगी है। बड़ी विलक्षण धुन है। वो कैसी धुन है? क्योंकि वंशियों में राजा नहुष हुए, जिनके पुत्र इतात थे, तो राजा नहुष ने इंद्रासन पर राज किया था और कुछ सांप बन सांप के बस अजगर होना पड़ा। ऐसे ही इंद्र भयभीत होकर के जिस वक्त राजा सम्राट इतात बने, तो इंद्र के पास एक मातल नाम का मंत्री था। तो आज उस मंत्री से कहा कि भूतल पर जाकर के देखो, नहुष पुत्र इतात हुए हैं। ऐसा नहीं जिसके बाप ने ऐसा काम किया को पुत्र भी चाहता। तो आज वो मातल चले हैं वहां से और आकर के पूछा, भैया इतात, हे राजन, इधर क्या कर रहे हो तुम? वहां स्वर्ग में चल के देखो, कितना आनंद ही आनंद अमृत बरस रहा है। मृतलोक है, मृतलोक में क्या है, वहां चलो। राजा इतात ने साफ इनकार कर दिया, मातिल हमारी कोई कामना, मेरी कोई इच्छा वो स्वर्ग जाने के लिए नहीं है। कि क्यों? वो इतवंशियों में सर्वप्रथम एक पहला ऐसा राजा हुआ है, क्यों नहीं तुम्हारी इच्छा है? मरने के बाद में, मरने में, जब मरने का समय आता है, नजदीक आता, बुढ़ापे में वैसे भी आदमी ये कहता, भगवान हमारी मृत्यु हो तो हमें स्वर्ग मिले। मगर वंशियों में पहला राजा ऐसा हुआ जिसने श्याम मना कर दिया, मुझे स्वर्ग की कोई कामना नहीं। क्यों? कहने लगे, सुनो मातिल, कालग करियो नाम बुलाए, सके नाम गुण गाई। कहने लगे, सुनो कि कालग करिए नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई। वे नाम की मैं प्रशंसा कहां तक कर सकता हूं? जो वो स्वर्ग में नाम चल रहा है, मैं वादा करता हूं मातिल, वो नाम को लेकर इस भूतल पे रख दूंगा, इस पृथ्वी पर लाकर रख दूंगा, और जहां तक वो पृथ्वी का खंडन नहीं हुआ है तहां तक मैं पृथ्वी वालों को पान करा दूंगा, मैं मृत लोग को स्वर्ग बना दूंगा। और आज भी लोग देखो, इस मृत लोग में स्वर्ग है। संत महात्मा की कुटियों पर चल के देखो, और जिसने नाम को स्मरण किया है और श्रवण किया है, वहां ही स्वर्ग ही स्वर्ग है। तो आज भगवान कृष्ण के आंखों से आंसू निकल रहे हैं और पार्वत की निद्रा प्रागढ़ होती जा रही है, रोम रोम से नाम की धुन चल रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उद्धव और सत्यभामा ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये भगवान की कैसी विलक्षण लीला। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, उद्धव जी आप एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो? कहने लगे, मैं देख क्या रहा हूं, हे प्रभु, ये बड़ी विचित्र लीला है, हमारे समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। और इधर द्वार पर मैया पार्वती जो खड़ी हैं, तो भोले बाबा से कहने लगी, तुम्हारा कोई संदेश आने वाला नहीं है, चलो ना, मैं कब तक द्वार पर खड़े रहूं? भोले बाबा कहने लगे, देवी जरा शांति का दान दें, और आप ऐसी अनुचित बातें ना कहें, संदेश आएगा। केले लगे, नहीं भूतनाथ, अब मैं इधर रुकने वाली नहीं हूं, मैं चल रही हूं। और भोले बाबा उठ करके खड़े हुए, कहने लगे, देवी तुम इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। क्यों? कि एक बार तुमने थोड़ी सी बात ना मानने पर ये तुम्हें देह भस्म करने पड़ी, और दोबारा तुमने वो ही प्रश्न उठा दिया, और तुम इसी वक्त मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। तो क्या हुआ? मैया पार्वती घबरा गए और रोने लगी और हाथ जोड़ के बोली, क्या बोली? कि जल बिन मीन नदी बिन बारी, जल बिन मीन नदी बिन बारी।
मैया पार्वती कहने लगी है भूतनाथ जल बिन मीन नदी बिन बारी और तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे मछली का जल ही जीवन है और ऐसे नारी पुरुष के बिना अधूरी है, कभी स्वामी पूर्ण नहीं हो सकती है। ए मेरे प्राण से क्या कह दिया? भोले बाबा कहने लगे नहीं देवी, ऐसे आपको पहले ही मैंने समझाया था तो तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी और तुम्हें अपना शरीर त्यागने पड़ा, पर वो ही प्रसन्न तुम आज भी रख रही हो, ये अनुचित नहीं है। और मैया हाथ जोड़ के खड़ी हुई रोने लगी, कहने लगी प्राणेश्वर सुनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूंगी, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूंगी, और मंदिर में मिलूंगी ओ साजना, अरे तुम चंदन बनो मैं पानी बनूंगी, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूंगी, दिल में बसूंगी ओ साजना। मैया कहने लगी हमसे भूल हुई, हम क्षमा करें हे प्राणेश्वर, आप कैसी बातें करते हैं? तो भोले बाबा कहने लगे देवी शांति का दाम देकर के यहाँ बैठ जाइए, आज हतनापुर में मैया पार्वती बैठी है। और उसी वक्त भोले बाबा ने ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद का स्मरण किया है। जब देवऋषि नारद का स्मरण किया है तो आज ब्रह्मलोक से देवऋषि नारद जब चले तो कैसे चले हैं वीणा को बजाते हुए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे जो नारायण नाम लेती है जो नारायण नाम लेती है के पाप होते हैं नारद जिस वक्त हतनापुर में पधारण किया है। और भोले बाबा खुद देखा, दंड प्रणाम करने के बाद में पूछने लगे को भूतनाथ कैसे याद किया है? कहने लगे देवऋषि नारद हमारा संदेश पारत के कच्छ तक भेजना है, आप भेज दे। देवऋषि नारद कहने लगे हे प्रभु ये कितनी बात है, मैं आपका संदेश भेज रहा हूं। आज जिस वक्त ब्रह्मपुत्र देवऋषि नारद ने वो कच्छ में प्रवेश किया है तो क्या देखा है कि भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी पारत के पैर दबा रहे हैं और सत्यभामा और उद्धव जी पारत पर विहार कर रहे हैं। देवऋषि नारद कहने लगे हे प्रभु तेरी कितनी विलक्षण लीला है, कैसी लीला है? और क्या बोले देवऋषि नारद कि कड़े कड़े में बसा प्रभु देखी रहा, कि कड़े कड़े में बसा प्रभु देखी रहा, अब पुण्य करो चाहे पाप करो, करो चाहे पाप करो।
कड़कड़ में बसा प्रभु देख रहा, पुण्य करो चाहे पाप करो, मन में जैसी भावना जागृत होगी। गीता में भगवान कृष्ण ने लिखा है कि जो तू देखेगा वही मैं हूं, तो काम के वशीभूत हो तो मैं कामनी हूं, कि जो इच्छा करिए वो मनमाही और राम तपस्या को तुरंत, कि जैसी भावना जागृत करोगे परमात्मा वैसी पूर्ण करने को तत्पर तैयार है, वो ही फल देने को तैयार खड़ा है। तो देव ऋषि नारद तो सब कुछ भूल गए और वीणा बजा गया, चंद्र नाच रहे हैं कि हम किसका संदेश लेकर आए थे, किसे अपनी बात सुनानी है, किससे क्या कहना है, आज कोई बात याद नहीं रही। और मैया पार्वती को नारी चरित्रम और पति भागम, नारी का चरित्र कैसा होना चाहिए और पति का भाग, कि कार्येषु मंत्री कर्णेषु दासी भुजनेषु माता से नोसृंभा पदम पदम्बा की तरह क्षमा धर्म छह लक्षण बता, कि नारी का धर्म है कि कार्येषु मंत्री, अगर उसका पिया कोई कार्य कर रहा तो नारी का धर्म है अपने पिया को मंत्री के रूप में सलाह दे, और कर्णेषु दासी घर में काम करते समय वो नारी दासी की तरह काम करे, और भोजनेश माता अपने पिया को जब भोजन कराए तो मैया का प्यार दे, और सेनोश्रम्भा जब सेज को सजाए तो पतिव्रता धर्म का वो पालन करे, तो ये तो नारी का धर्म है। और पति का भाग, अगर पति परमात्मा का भक्त है तो नारी का धर्म है अपने पिया के चरण में चिंतन करे, वही स्वर्ग है। तो आज सब मान गमा दिया और मैया पार्वती कहने लगी वो तो अभी तक नहीं आया, तुम्हारा कोई संदेश आने वाला नहीं, तब तक क्या हुआ, आज भूतनाथ ने ब्रह्मा का स्मरण किया है तो हंस वाहन ब्रह्मा चले हैं और हतनापुर में पधारपन किया है। जब हतनापुर में पधारपन किया तो कहने लगे भूतनाथ कैसे याद किया, कहने लगा मेरा संदेश पार्थ के कच्छ तक भेजना है, और ब्रह्मा जी ने जिस वक्त कच्छ में प्रवेश किया, जब कच्छ में प्रवेश किया तो ब्रह्मा ने जब देखा है कच्छ की भिन्नता को तो अपना मान गमा दिया, हे नारायण तेरी ये कैसी प्रवेश पर लीला है। और इधर जब संदेश द्वार पर नहीं आया तो मैया पार्वती कहने लगी बोले बाबा अभी संदेश नहीं आया, बोले बाबा कहने लगे देवी सुनो मैंने बार बार आपको समझाया ये बात उचित नहीं है, ये बात बढ़िया नहीं है, आप धैर्य धारण करें, शांति का दान लें, संदेश जरूर आएगा, बात को समझे। मगर मैया पार्वती कहने बोले बाबा तुम्हारी बहुत बात ठीक नहीं, क्यों, कहने लगे देखो मगर गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कई अति प्रचंड रघुपति कही माया, कई अति प्रचंड रघुपति कही माया, जो न मोहो अस को जग जाया, कि परमात्मा की बड़ी विलक्षण माया है, क्यों लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास को जन्मो यस को जग माही, कि को जन्मो यस को जग माही, अब ता पाई ताई मंद नाही, लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि को जन्मो यस को जग माही प्रभुता पाई ताई मंद नाही। संसार में मद एक बार हर किसी इंसान को हुआ, कोई ऐसा जीव ने जन्म ही नहीं लिया जो एक बार भ्रमत और मोहित शिष्य से ना हुआ। तो मैया बार बार कह रही हे भोले बाबा क्या संदेश नहीं आएगा, और ब्रह्मा ने जब मान गमा दिया और कोई संदेश द्वार पर नहीं आया तो भोले बाबा कहने लगे देवी आप ये अनुचित वचन ना कहें, क्यों, सुनि मुनि मोह होई मन ताके, सुनि मुनि मोह होई मन ताके,
मेरी बात तब हुन त्यागे तो मिश्री दूध रोज चढ़वाए। और हाँ मास नहीं कुत्ता जो त्यागे चाय भाई रबड़ी व खीर खवाए। जहर सांप तो ना कम होवे चौके त्योते वे वह दूध पिया। भोला आई जइयो भोला आई जइयो ले लई शरण तुम्हारी चित्रपुरा।